सारी दुनिया आपके गाने सुन रहा है, अब आप एक्टिंग में भी आ रही हैं। आई नो कि ये आपकी डेब्यू नहीं है जी, और मेरी दूसरी फिल्म है। बरखा में काम करना मेरे लिए बहुत खास रहा, बिकॉज एक तो दिल के करीब है क्योंकि दूसरी पिक्चर है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मेरा इसमें, बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है इसमें। सारा और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट किरदारों में हैं, उनका नाम ही बरखा है फिल्म में, मेरा नाम मधु है। और ये जो फिल्म है वो रिलेशनशिप्स के बारे में ही है, तो उनकी जो मेरे से रिलेशनशिप है, मेरी जो राशुल से रिलेशनशिप है, राशुल की ताहा से रिलेशनशिप है, ताहा की प्रियांशु जी से रिलेशनशिप है, प्रियांशु जी से सारा लोरेन की जो रिलेशनशिप है, इन्हीं इन्हीं किरदारों में ये फिल्म घूमती है और बहुत ही अच्छा मैसेज भी देती है लोगों को। तो आपको ये बहुत ही इम्पैक्टफुल फिल्म लगेगी, बहुत ही अच्छी फिल्म लगेगी, और बहुत ही थॉटफुल फिल्म है, अच्छी प्यारी फिल्म है, लव स्टोरी भी है, इट्स गोना बी नाइस जी। बहुत मज़ेदार रहा एक्चुअली, सबके साथ मैंने पहली बार काम किया है इस फिल्म में, और सब अच्छे दोस्त सब बन गए हैं। सारा के साथ एक्चुअली मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं फिल्म में, तो उनके साथ डेफिनेटली एक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हम दोनों अपने सीन्स डिस्कस करते थे क्योंकि हमारी इंटरेक्शन बहुत सॉलिड है फिल्म में। सो यू विल सी, जब आप पिक्चर देखेंगे, अभी रिलीज़ होने वाली है जल्दी, तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक सारा जो डिसीजंस नहीं ले पाती हैं वो मुझसे पूछती हैं, तो जितनी भी उनकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, जो कि उनकी लाइफ में जो घिरी हुई दिक्कतें आप देखेंगे फिल्म में, उसमें काफ़ी हद तक मेरा साथ है उनका और उनके लिए, और हम थोड़ी मस्तियाँ भी करेंगे फिल्म में, बदमाशियाँ भी करेंगे, और एक उसमें एक पैरेलल इसके चलते एक बहुत ही मैसेज भी देते जाएंगे लोगों को, लड़कियों को खास तौर पे। तो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनी है, आप सबको पसंद आएगी। एक लाइन है, नो डिस्काउंट ऑन लव, कितना बिलीव करती हैं आप इस लाइन से, नो डिस्काउंट ऑन लव? देखिए जिस वे में इस फिल्म में ये टैगलाइन यूज़ की गई है वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा, अभी मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बिल्कुल ये सच्ची बात भी है, क्योंकि प्यार का कोई मोल ही नहीं है, और अनमोल चीज़ है प्यार। और दुनिया में आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, दुनिया में जो होती हैं चीज़ें आजकल के जो इतने इवॉल्व्ड माहौल में हम रहते हैं, टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व्ड है, बहुत फास्ट हो गए हैं लोग, उसमें काफ़ी लोग प्यार को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, उनको लगता है प्यार ख़रीदा जा सकता है, प्यार को पटाया जा सकता है, यू नो ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्योंकि अच्छा तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत आसान है। उसमें ये दिखाया गया है कि आपको जो इजी भी लग रहा है वो एक्चुअली बहुत मुश्किल है, और जो आप समझ रहे हैं, जितना आसान आप समझ रहे हैं, उतना आसान नहीं है प्यार को पाना। तो बहुत अच्छी तरीके से समझा गया है, और फिल्म के डायरेक्टर हैं शादाब मिर्ज़ा, बहुत उनकी पहली फिल्म है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया उन्होंने, और बहुत मज़ा आया मुझे काम करके। अगर मैं कहूँ दो लाइन, अगर आप बता सकते, पता है इस फिल्म में आपने एक्ट किया है जी, ये फिल्म थोड़ी सीरियस माहौल में भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूजिकल फिल्म है, आपको बहुत गाने बहुत हर अच्छे लग रहे हैं। हर चार मिनट में कोई गाना नहीं आने वाला फिल्म है, बहुत डायलॉग से घिरी हुई फिल्म है, डायलॉग्स बहुत इम्पैक्टफुल हैं।